दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट पॉइंट पर। दोस्तों काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने जो SBI योनो के बारे में काफी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग कोई ना कोई कमेंट करते हैं नए नए टॉपिकों को लेकर। अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जो है एक ही डिवाइस में जो है हम दो योनो ऐप को कैसे चला सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आपके अलग अलग CI ऐप से दो अकाउंट है बैंक के अंदर तो आप दोनों को एक ही मोबाइल पे लॉगिन करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसका भी एक रीजन है क्योंकि इस एप्लीकेशन में जो IP एड्रेस है आपके स्मार्टफोन का वो जो है फेच हो जाता है, तो वहां पे अगर आप लॉग आउट करने के बाद दूसरा लॉगिन करना चाहेंगे तो वहां पे नहीं आएगा। वहां पे अनदर यूजर का मैसेज आपको दे देगा कि इस पे कोई दूसरा यूजर पहले से लॉगिन है। तो ऐसी पोजीशन में हम जो है अपनी दूसरी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। जिन लोगों को जो है दो मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करने हैं अपने एक ही डिवाइस में, तो मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं उसी प्रोसेस से आप जो है दो अकाउंट जो है लॉगिन कर सकेंगे, अन्यथा आप सीधा सीधा करना चाहेंगे तो आपको नहीं करने देगा, तो वहां पे आपको ऐसे ही एरर मैसेज आता रहेगा। हालांकि मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया भी हुआ था, लेकिन वो प्रोसीजर अब थोड़ा बदल गया है तो वो मेथड अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप एक ही डिवाइस में जो है दूसरा आईडी अपना लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बैंक ने जो है कुछ सिक्योरिटी लगा दी है उस पे। तो इसके लिए भी जो है एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप जो है मल्टीपल अकाउंट जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाएगी, आप पूरी तरीके से उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो। यार इतना बड़ा मॉल है लेकिन एक ढंग का ऑफर नहीं। व्हाट यू डोंट नो? No entry, madam. Sorry, I didn't know. Exactly. Yono. What's that? With Yono, get incredible deals and discounts dono pure saal par. So now you know. Yono. Say yo to life. तो सबसे पहले तो जो मेरे में इंस्टॉल है योनो SBI, तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ जो मैं प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ फेक नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्टली MPIN मांग रहा है, क्योंकि ये मैंने लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे हम MPIN देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है MPIN दे दिया और ये आप देख सकते हैं ये ऑटो लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं पिछले वीडियो में दिखाता चला आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2-3 अकाउंट हैं ऑलरेडी, तो इसलिए जो है ये मेरा ऑलरेडी पहले से लॉगिन है। अब मैं आपको चलिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे अकाउंट पे अगर जाते हैं तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 3 अकाउंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले माई बैलेंस पे एक नज़र डाल लीजिए, मेरे 15,696 रुपये आ रहा है, और बाकी अभी दूसरे एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कितना बैलेंस, क्योंकि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको बिलीव हो जाए, जो भी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ फेक नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको अपने अकाउंट का बैलेंस भी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में यहाँ पे 3 अकाउंट लिंकेड हैं, लेकिन तीनों एक साथ में आ रहे हैं क्योंकि मेरे ये एक ही CIFs हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अब मैं जिसे लॉगिन करने जा रहा हूँ वो सिंगल अकाउंट है, उसमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं होगा और उसका बैलेंस भी जो है मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद जो है अब चलते हैं हम बैक, और बैक आने के बाद जो है यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे हमें जाने के बाद यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना है, हम यहाँ पे टैप करेंगे ड्यूल ऐप। तो यहाँ पे जो है ऊपर से आपको चौथा ऊपर पैरेलल स्पेस का मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है पैरेलल स्पेस डाल के और जो सर्च कर सकते हैं, इसका आइकॉन कुछ इस तरीके से आता है। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है, तो इसे जो है हम फटाफट से इंस्टॉल कर ले रहे हैं, और इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके थ्रू हम जो है दूसरा अपना अकाउंट जो है इसमें कैसे लॉगिन कर पाएंगे। हमारा वो जो लॉगिन है ऑलरेडी तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट भी हमारा जो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कर देते हैं बैक, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और देखते हैं हमारा पैरेलल स्पेस कहाँ पे आया है। तो ये देखिए हमारे योनो के साथ में आ गया, तो इसे हम ओपन कर लेंगे।
तो फर्स्ट टाइम ये कुछ इस तरीके से आ जाता है जहाँ पे हमें कंटिन्यू पहले करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करते जाना है। जितनी परमिशंस हैं ये मांगेगा आपसे अलाउ करने के लिए, तो आपको अलाउ करते जाना है। उसके बाद ये इस तरीके से थोड़ा इंस्टॉल होगा और स्टार्ट के लिए आ जाएगा। तो हमें स्टार्ट पर सिंपली जो है क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये लॉगिन होके आ जाएगा, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको आपके एंड्रॉयड में जो भी एप्लीकेशन है वो आपको शो कर देगा। अगर आपको अपना योनो एप्लीकेशन यहाँ पर ना दिखे तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक ये एरो आ रहा है तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना, तो आपके नीचे और भी एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ ऊपर करेंगे और देखते हैं हमारा योनो जो है कहाँ पे है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है योनो आ चुका है, तो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा ये वाला योनो है। तो इसे हम जो एक बार टिक करेंगे और टिक करके जो है यहाँ पे ऐड टू पैरेलल स्पेस पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए दो एप्लीकेशन दिखा रहा है ऐड पैरेलल स्पेस पे, तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। तो इस पर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे जो है केवल एक ही लेना है। तो यहाँ पे हम केवल योनो वाले पे टिक रहने देंगे और ऊपर हम देखते हैं हमारा कोई एक, ये देखिए फेसबुक टिक है तो इसे अनटिक कर देंगे। और यहाँ आप देखिए ऐड पैरेलल स्पेस में एक ही एप्लीकेशन दिखा रहा है। आपको जितनी एप्लीकेशन ऐड करनी है आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको केवल योनो करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड पैरेलल स्पेस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे परमिशंस मांगेगा, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे कर लेना है ये एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए योनो SBI इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली इसे कर लेंगे ओपन। तो यहाँ पे ये परमिशंस मांगेगा और यहाँ पे हम ग्रांट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे अलाउ करते जाना है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने लगा है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बिल्कुल नए सिरे से ओपन होके आया है, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था किसी दूसरे एप्लीकेशन में जो हमारा इंस्टॉल है। तो उसी तरीके से आ गया। यहाँ पे ये लॉगिन के लिए नहीं मांग रहा हमसे, डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे एग्जाइटिंग कस्टमर पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है यस कर देंगे। यस का मतलब है मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है, अगर नहीं होगी तो हम नो पे करेंगे, लेकिन नो पे करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम इसलिए यस कर ले रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम अपना यूजर नेम डाल दे रहे हैं जो हमारा दूसरे अकाउंट का है। यहाँ पे ऐसा नहीं जो लॉगिन है उसी का डालना, हमको जो दूसरा अकाउंट अपना लॉगिन करना है तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड हमको एंटर करना है। तो मैं फटाफट से एंटर किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दूसरे वाले अकाउंट का डाल दिया और नीचे हमको सबमिट का दिख रहा है, तो हम सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे चेक आ रहा तो चेक ही रहने देना, हमको केवल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक पिन बनाने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे 6 डिजिट का अपना एक पिन बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक 6 डिजिट का पिन जो है बना ले रहा हूँ, और उसके नीचे जो है री एंटर न्यू पिन का, तो आपको दोबारा से वही पिन यहाँ पे डाल देना है। तो मैं दोबारा से भी यहाँ पे वो पिन डाल दे रहा हूँ। दोनों बार पिन डालने के बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का दिख रहा होगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये OTP एक सेंड करेगा आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जो अकाउंट आपका लॉगिन हो रहा है उसमें जो भी है आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो उस पर आपके पास मैसेज पहुंच गया होगा, आप देख लीजिए। तो मेरे पास अभी नहीं आया, अगर नहीं आए तो आपको यहाँ पे दिखे रिसेंट OTP का भी एक दिख रहा होगा, तो आप रिसेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास OTP आ चुका है, तो मैं जो है OTP अपना एंटर कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे OTP मिल गया, रिसेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने जो है OTP एंटर कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट का आपको नीचे दिख जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखिए फिर से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का, और गो टू लॉगिन पे हम क्लिक कर लेंगे। ये हमारा दूसरा अकाउंट भी रजिस्टर्ड हो चुका है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे जो है हम उसे लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं इसे भी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे केवल पिन नंबर आपसे पूछेगा, तो मैं यहाँ पे पिन नंबर एंटर किए दे रहा हूँ। तो मैंने पिन नंबर एंटर कर दिया और ये ऑटो लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है दूसरा जो है योनो ऐप, यानी दूसरा योनो ऐप में हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पे अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा देंगे, देखिए 31,991 रुपये है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा दूसरा अकाउंट है जिसमें हमारा दूसरा अकाउंट कोई लिंक नहीं है, केवल सिंगल अकाउंट है ये। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरा 31,991 रुपये का बैलेंस है, और नीचे हमारे कोई अकाउंट नहीं आ रहा है, एक ही अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे दोनों जो है ओपन हो चुके हैं। अब मैं दूसरे एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो ये देख लेना, यहाँ पे पिन मांगेगा हमसे, और पिन मांगने के बाद ये लॉगिन होगा, क्योंकि मैंने आपको एक ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और दूसरा ये लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे भी लॉगिन किए ले रहा हूँ। तो मैंने इसे भी जो है लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये लॉगिन होके आ गया। अकाउंट बैलेंस पे हम जाएंगे
तुम्हारे पास देखिए ये तीन अकाउंट आ रहे हैं, तीनों का बैलेंस भी शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और मिनिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, दोनों हमारे योनो ऐप खुले हुए हैं। ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला आ रहा है, और इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है सिंगल वाला हमारा आ रहा है, ये ट्रिपल अकाउंट वाला आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों जो है लॉगिन हो रखे हैं, आप देख सकते हैं ये सिंगल अकाउंट का है और वो ट्रिपल अकाउंट का, यानी कि हमारे पास दोनों अकाउंट जो है लॉगिन हो चुके हैं और हम दोनों में वर्क कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन हो उसे भी मल्टीपल लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चलते हैं पहले स्पेस में, हम दोबारा से अगर आप इस ऐप को जो है अपनी स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा प्रेस कीजिए और क्रिएट शॉर्टकट ये मिल जाएगा ऊपर आपको, इस पर जाके इसे छोड़ दीजिए। तो इस पर जाएंगे और छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये परमिशंस बता रहा है, अभी परमिशंस अलाउ नहीं, तो यहाँ पर हम परमिशंस को कर देंगे अलाउ, होम स्क्रीन शॉर्टकट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गई हमारी, अब हम दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और जो है इस वाले को हम जो है फिर से वहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा जो है शॉर्टकट बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे योनो प्लस के नाम से शॉर्टकट बन के आ गया है और योनो SBI ये हमारा ऑलरेडी पहले से है। तो इस तरीके से आप दो योनो जो है एक ही डिवाइस में चला सकते हैं, दो अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला आपको बिल्कुल ही। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एप्लीकेशन है पैरेलल स्पेस, इसे आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने योनो ऐप को जो है दो अकाउंटों के थ्रू लॉगिन करना सीख गए होंगे। आप एक ही मोबाइल में जो है दो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, यानी दो अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, तो इसे लाइक शेयर तो जरूर कर ही लिया करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में नीचे बेल आइकन का भी एक आइकन देखेगा आपको उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।